हेलो एवरीवन, आई एम संजय कुमार पात्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आपका बजट 10,000 रुपये है और अगर आपको चाहिए एक बहुत ही अच्छे क्वालिटी का स्मार्टफोन जिसकी लुक काफ़ी अच्छी हो, गेमिंग के लिए वो बना हो, साथ ही साथ कैमरा की क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिले, तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको कमाल के स्मार्टफोन्स के बारे में बताऊँगा जो आप 10,000 के अंदर खरीद सकते हो। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो लिस्ट में जो दोस्तों पांचवें नंबर पे जो फ़ोन आता है वो काफ़ी कमाल का स्मार्टफोन है, जहां पर आपको मिलता है पंच होल डिस्प्ले इस प्राइस सेगमेंट में। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर जो फ्रंट कैमरा आपको मिलता है वो भी काफ़ी कमाल का है और लुक वाइज दोस्तों फ़ोन अगेन काफ़ी अच्छा दिखता है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ इन्फिनिक्स का 5S, इसके अलावा अगर हम बात करें इसके डिटेल स्पेसिफिकेशन के बारे में तो यहाँ पर आपको मिलता है 6.60 इंचेस का HD+ रिजोल्यूशन का डिस्प्ले, साथ ही साथ चार कैमरा आपको पीछे की तरफ दिया गया है, 16+5+2+ लो लाइट सेंसर दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर और प्रोसेसर की बात करते हैं तो 2.0 GHz का मीडिया टेक का हीलो P22 चिपसेट मिलता है। बैटरी यहाँ पर आपको 4000 mAh की दी गई है और सिम स्लॉट में 3 स्लॉट मिलता है। साथ ही साथ यहाँ माइक्रो USB पोर्ट का सपोर्ट मिलता है। 4GB 64GB के वेरिएंट के साथ ये आपको मिलता है मात्र 8,999 की कीमत पे। तो आप इस फ़ोन को ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो फ़ोन है वो हार्ड कोर गेमर्स के लिए नहीं बना है। तो यहाँ पर अगर आपकी प्रायोरिटी गेमिंग नहीं होगी तो इस फ़ोन को आप डेफिनेटली चेकआउट करिएगा। नेक्स्ट जो 4th नंबर के स्मार्टफोन है दोस्तों वो काफ़ी ब्रांड वैल्यू के साथ आता है, साथ ही साथ आपको 18W का चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है और बैटरी भी काफ़ी दमदार है इसकी। इवन दोस्तों आपको अगर गेम खेलना ज़्यादा पसंद है तो इस फ़ोन को आप डेफिनेटली चेकआउट करें। ये दोस्तों आता है वीवो का U10। बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, यहाँ पर आपको मिल जाता है 6.35 इंचेस का HD+ रिजोल्यूशन का डिस्प्ले, जहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा दिया गया है 13+8+2 मेगापिक्सल का और 120 डिग्री का वाइड पिक्चर भी आप यहां पर से निकाल सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर दोस्तों आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है, 2.0 गीगाहर्ट्ज़ का स्नैपड्रैगन का 665 चिपसेट मिलेगा, तो गेमिंग एक्सपीरियंस आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। साथ ही साथ यहां पर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, 18W का फास्ट चार्जर मिलता है और यहाँ पर आपको ट्रिपल सिम स्लॉट भी मिलेगा। यहाँ दोस्तों यहाँ पर आपको 3 32GB के वेरिएंट का लगभग 10,000 की कीमत में मिलता है, लेकिन आप इसको सेल के दौरान ख़रीदते हो तो 1,000 का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि इफ़िशेंटली ये आपको 9,000 की कीमत में मिल सकता है अगर आप इसे अमेज़ॉन से ख़रीदते हैं। अगर आपकी प्रायोरिटी गेमिंग है, साथ ही साथ आपको काफ़ी कमाल का बैटरी चाहिए और फास्ट चार्जर सपोर्ट चाहिए तो इस फ़ोन को आप ज़रूर चेकआउट करें। नेक्स्ट यहाँ पर जो 3rd नंबर का फ़ोन है दोस्तों वो काफ़ी अच्छा इसलिए है क्योंकि जब ये लॉन्च हुआ था ये अराउंड 12 से 13 हज़ार की कीमत में आपको मिलता था, लेकिन गाइस अगर आप इसे अभी ख़रीदते हैं तो ये आपको 9,999 की कीमत में मिलेगा। काफ़ी अच्छा ब्रांड वैल्यू है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों सैमसंग की तरफ से आने वाला फ़ोन गैलेक्सी M30 के बारे में, जहाँ पर आपको मिल जाता है काफ़ी कमाल का स्पेसिफिकेशन। स्क्रीन इसकी काफ़ी अच्छी है दोस्तों, जहां पर आपको मिलता है 6.4 इंचेस का फुल HD+ रिजोल्यूशन का सुपर एमोलेड पैनल, तो यहां पर जो डिस्प्ले है उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होने वाली है दोस्तों। साथ ही साथ पीछे की तरफ आपको ट्रिपल कैमरा मिलता है, फ्रंट की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने मिलता है आपको। प्रोसेसर आपको यहाँ पर मिलता है सैमसंग का Exynos 7904 का चिपसेट, साथ ही साथ 5000 mAh की बैटरी मिलती है आपको, 15W चार्जर का सपोर्ट मिलता है, ट्रिपल सिम स्लॉट भी दिया गया है और टाइप सी का पोर्ट भी देखने को आपको मिलता है और 3GB 32GB का वेरिएंट ये आपको 10,000 में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस फ़ोन में इन टोटल हर तरह के फीचर्स मिल जाएंगे आपको, तो आप इस फ़ोन को डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो 2nd नंबर का फ़ोन है दोस्तों वहाँ पर आपको 4 कैमरा मिलता है पीछे की तरफ, जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है और साथ ही साथ यहाँ पर बैटरी भी आपको दमदार देखने को मिलने वाली है। ये जो फ़ोन है दोस्तों ये आता है रियलमी ब्रांड की तरफ से, रियलमी का 5, जहाँ पर अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो आपको मिल जाएगा
मिलने वाला है। इसमें 6.5 इंचेस का HD प्लस रिजोल्यूशन का डिस्प्ले, साथ ही साथ चार चार कैमरा आपको दिया गया है 12+8+2+2 मेगापिक्सल का। और यहाँ पर आपको वाइड लेंस भी देखने को मिलता है, मैक्रो पिक्चर भी आप निकाल सकते हो, जो कि अच्छी बात है। फ्रंट की बात करते हैं, आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। प्रोसेसर इसका काफ़ी लाजवाब है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्नैपड्रैगन का 665 प्रोसेसर, तो गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर आपको दोस्तों 5000 mAh की बैटरी मिलती है, ट्रिपल सिम स्लॉट का ऑप्शन मिलता है, माइक्रो USB का पोर्ट मिल जाता है। और दोस्तों इसका 3GB 32GB का वेरिएंट आपको मात्र 9900 की कीमत में मिल जाएगा। और फाइनली दोस्तों लिस्ट में पहले नंबर पे आता है 10,000 का बेस्ट स्मार्टफोन जो कि आप आज के डेट में खरीद सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों Redmi Note 8 के बारे में, जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। ये फ़ोन दोस्तों आपको काफ़ी कमाल के स्पेसिफिकेशन के साथ मिलता है। बात करते हैं स्क्रीन की, तो यहाँ पर आपको मिलता है 6.3 इंचेस का फुल HD प्लस रिजोल्यूशन का पैनल, यहाँ पर LED नोटिफिकेशन लाइट भी दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर कैमरे की बात करते हैं तो 48+8+2+2 मेगापिक्सल का चार चार कैमरा दिया गया है। और यहाँ पर आपको सैमसंग का सेंसर मिलेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, तो इस प्राइस सेगमेंट में आपको काफ़ी दमदार कैमरा देखने को मिल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से वर्थ बाइंग होगा। साथ ही साथ अगर हम फ्रंट की बात करते हैं तो 13 मेगापिक्सल का कैमरा, प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पर दोस्तों, स्नैपड्रैगन का 665 जो आपको Realme 5 में भी देखने को मिलता है। बैटरी यहाँ पर 4000 mAh की है, 18 वॉट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिलता है, और बॉक्स के अंदर इस बार फास्ट चार्जर दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ट्रिपल सिम स्लॉट आपको मिलता है, और 4GB 64GB का वेरिएंट आपको 9999 की कीमत में मिल जाएगा। तो ये जो फ़ोन है दोस्तों आपको 9999 की कीमत में मिलता है, काफ़ी अच्छा स्पेसिफिकेशन आपको मिलता है। एक ग्लास बैक पैनल है, साथ ही साथ LED नोटिफिकेशन लाइट मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। प्रोसेसर अच्छा है, कैमरा अच्छा है आपको मिलता है, और बैटरी की क्वालिटी भी अच्छी है। साथ ही साथ फास्ट चार्जर का सपोर्ट भी मिलता है, टाइप सी का सपोर्ट भी मिलता है। ओवरऑल काफ़ी अच्छा है ये फ़ोन, और 10,000 की कीमत में ये आपको बेस्ट स्मार्टफोन ख़रीदना है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड हाँ दोस्तों, मैं सारे फ़ोन्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।